महाराष्ट्रर राजधानी प्रीति ओडिसा लूट परे एबे महाराष्ट्र पाळी प्राकृतिक संपद रे भरा ओडिसा को घोळ करि सालेनी खणि लुटेरा विभिन्न समय रे खणि चोरी प्रसंग ओडिसा रो मुख्य खबर पलट थाए सुप्रीम कोर्ट को निर्देश रे खणि चोर रो गंध बारी थिले साहा कमिशन खणि चोरी मामला रे साहा कमिशन को रिपोर्ट दिने एई खणि चोर मानक मुंड विधर कारण होइतला परे सुप्रीम कोर्ट को जरिमाना आनीतिला सेमानक मनरे आश्वस्ति खणि चोरी तुलना रे जरिमाना थिला अति नगण्य किंतु एबे चित्र जा सामना को आसुचि ता अत्यंत चिंताजनक ओडिसा रे खणि चोरी रे शामिल थिबा खणि चोर कंपनी याजदानी रो लोळुप दृष्टि रे महाराष्ट्र दिने ओडिसा को टिकस फांकी थिबा याजदानी पुणी फांकीबा को बसिचि सुप्रीम कोर्ट को जरिमाना राज्यर किछि न्यास्त स्वार्थ थिबा बडबाबू ओ किछि नेता को धरि याजदानी चलाइथिला कला साम्राज्य सही नेता ओ बाबू माने तयारी करूछंती जरिमाना फांकीबा को गळा बाट ओडिसा रे टिकस फांकी जरिमाना फांकी थिबा एई खणि चोर कंपनी हातेइछि महाराष्ट्र रो कोल ब्लॉक अति चंचकता करी हात को नेइछि महाराष्ट्र रो मार्किंग मंगली टू नामक कोल ब्लॉक एहा को नै उभय सरकार को ओ कंपनी को समालोचना करूछंती विरोधी जदि सद्विनियोग होता राज्यर प्राकृतिक संपद ताहेले बोधे खाली देशर नुह पृथ्वीर एक नंबर राज्य आम करू कि दुर्भाग्यर विषय किसी कंपानी सरकार सहायतार खणी खादान लुहापथर कोल्ठू नहीं कि लुट कर चलिए सुप्रीमकोर्टर केस है सुप्रीमकोर्टर तत्वावधान शाह कमिशन गठन है जे केते परिमाण रे खणि कंपनी गुड़ाक खणिज संपत्ति लुट कर बिना टैक्स दे कि तार तदंत है एवं शाह कमिशन जहाँ रिपोर्ट देखा तो आप 60,000 कोटी ऊर्ध टा लुट होता बोली से सुप्रीमकोर्ट जजमेंट दे जिते कंपनी थे से 1500 टा भरवे से क्षतिपूरण देवे सरकार को टैक्स जमा करेंगे जो लुट करते कि दुर्भाग्यर विषय याजदानी कंपनी एटी तानारे फाइन होता जरिमाना देवा कथा सुप्रीमकोर्ट तानारे भी फाइन ये किंतु से एटी फाइन न दे कि संपत्ति लुट कला फाइन भी देलानी हजार हजार कोटी टंका लुटिक चलीगला और जैकि महाराष्ट्र में पुणी कोल कंपनी को किमती से बिडर है सेठी पुणी से लुट कर यार तदंत तो हवा कथा एठिकार सरकार महाराष्ट्र सरकार को एवं केंद्र सरकार को या विरुद्ध अभियोग करवा कथा तुरंत तार से बिडर को बातिल करा ना बुझा जाए ओडिशा सरकार बोधे खड़ी खादान मालिक मानक संगे मिसिकी अच्छी जदि तक ऑब्जेक्शन न कर एकदम याजदानी विरुद्ध तुरंत राज्य सरकार सुप्रीमकोर्टर द्वारस्थ होवार आवश्यकता अच्छी कहीं फाइन देकी जीवा कथा ओडिशार संपत्ति से लुट कर एक्चुअली ओडिशा रे जो बड़ फाइन माइनिंग स्कैम होता माइनिंग स्कैम बहु कंपनी बेआईन भाव में खड़ी उत्तोलन करते समस्त सरकारी नीति नियम जंगल आईन रेवेन्यू लॉ को वायलेट करके करते जो मामला कि सुप्रीमकोर्ट जाइए और सुप्रीमकोर्ट तक सब फाइन इम्पोज कर तेनाली सुप्रीमकोर्ट जो गोटे कंपनी उपर फाइन इम्पोज करुच्छे मैंने से कंपनी गोटे इलीगल माइनिंग सहित संश्लिष्ट बोली प्रमाणित होती कंपनी मानक कौन सी भाव में आउ माइनिंग लीज दबा कथा नुहे कितु घटना हूँ जेहेतु ये माइनिंग कंपनी मैंने जो मैंने ये पेनाल्टी देना ये कथा कौन केन्द्र सरकार जाना ना कौन राज्य सरकार जाना घटना हूँ जेहेतु माइनिंग कंपनी मानक ये पॉलिटिकल लीडर मानक क्षमतार शासक दल सागर आंकर गोटे नेक्सस रोचे परस्पर भितर रोचे मैंने टाँह नहीं कारण ओडिशा जो भारत बर्ष जो राजनीति होती मुख्यतः भाव में खणि चोरा टकर राजनीतिटा होने डायरेक्टली हूँ टू इनडायरेक्टली हूँ ओडिशार भारत बर्ष राजनीति को कंट्रोल करुँचार जमी सिराजुद्दीन अच्छी सेमती से कंट्रोल करेणु जेहतु नेक्सस अच्छी तेनाली सुविधा महाराष्ट्र में पुणी आउ थे लिज पाईगले कौन एटा गोटे चिराचरित भाव में चली ओडिशा जोटा कि मेगा भारत बर्ष बड़ खणि स्काम के ना एत खणि कंपानी मानने 200 ऊर्ध खणि कंपानी जमी आम खणि चोरी करते जो सुप्रीमकोर्ट अराउंड 18,000 कोटी टंका पेनाल्टी करता कितु बहुत कंपनी प्राय देखते आउ गए किसी बाकी अच्छे कंपानीटा अच्छे देनी सेमती कितु एम माइनिंग लीज पाइबाटा हूँ केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ये एम जी पैसा खाई देते कौन कर एठी प्रश्न उठुची ओडिसा रे खणि लूट रो जरिमाना पैठ करनथिबा बेले किपर ही कंपनी को मिलिला महाराष्ट्र रे खणि जरिमाना पैठ नकरी सुप्रीम कोर्ट को अवमानना करबा को साहस पाउची केउठु एई खणि चोर कंपनी याजानी बोली साधारण रे प्रश्नवाची सृष्टि करिची
ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ଲୁଟ୍ କରି ଟିକସ ଫାଙ୍କି ଜୋରିମାନା ନଦେଇ ଖସିଯିବାକୁ ବସିଛି ଖଣି କମ୍ପାନୀ ୟାଜଦାନୀ। ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁହାଁ ଏହି ଖଣି କମ୍ପାନୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମର୍କିମାଙ୍ଗଳି ନାମକ 2 କୋଲ୍ ବ୍ଲକକୁ ଅତି ଚଞ୍ଚକତାର ସହିତ ହାତକୁ ନେଇଛି ଏହି ଖଣି କମ୍ପାନୀ। ଯଦି ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଏ ବା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ନ କରାଯାଏ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନେଇଥିବା କୋଲ୍ବ୍ୟାକୁ ବାତିଲ ନ କରାଯାଏ, ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଏକ ଖଣି ଲୁଟ୍ର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଙ୍ଗମଙ୍କ ସହ ବିଭୂତି, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା।